राजनीति से जुड़ी हर खबर चाहिए तो सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए। पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में भारतीय वायुसेना की ओर से किए गए एयर स्ट्राइक के बाद नियंत्रण रेखा एलओसी पर स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी की जा रही है। सियालकोट सेक्टर में पाकिस्तान ने टैंक का भी इस्तेमाल किया है। 10 भारतीय जवानों के घायल होने की खबर है। भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है। बालाकोट चकोटी समेत 13 आतंकी ठिकानों पर हुई एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की ओर से एलओसी पर सीज फायर का उल्लंघन मंगलवार पूरी रात और बुधवार सुबह भी किया गया। पाकिस्तान की ओर से मंजोत पुंछ, नौशेरा राजौरी, अखनूर और सियालकोट सेक्टर्स में गोलीबारी और मोर्टार दागे गए हैं। भारत की ओर से जवाबी कार्यवाही के बाद डरे पाकिस्तान ने सियालकोट सेक्टर में टैंक का भी इस्तेमाल किया है। भारत की जवाबी कार्यवाही से पाकिस्तान को भारी नुकसान। पाकिस्तान की ओर से की जा रही गोलीबारी का भारत कड़ा जवाब दे रहा है। भारतीय सेना की ओर से की जा रही गोलीबारी में पाकिस्तान के 5 पोस्ट तबाह हो गए हैं। इसके अलावा कई पाकिस्तानी रेंजर्स घायल बताए जा रहे हैं। भारतीय सेना ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तान की इस हरकत से 10 भारतीय जवान घायल हो गए हैं और पुंछ सेक्टर में 2 रिहायशी मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पंजाब में भी तनाव बरकरार। वही पंजाब में भी भारत से सटी सीमा पर तनाव बरकरार है। कैप्टन सरकार ने सीमा पर तैनात तहसीलदारों की छुट्टी रद्द कर दी है। आज सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सरहद का दौरा करेंगे। सीमा प्रहरियों को किसी भी घटना से फौरन निपटने के लिए तैयार रहने का संदेश दिया गया है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।